बात करिए और दो घंटे में प्लान करिए क्या करना है, किससे मिलना है, नए लोगों से, पुराने लोगों से। ये YouTube देखना और लोगों से बात करना ये रोज होना चाहिए। तो ये 10 लोगों के साथ अगले महीने जब आप काम करेंगे तो ये 10 लोग एक व्यक्ति के साथ काम किए तो आपके साथ 10 लोग आए, एक व्यक्ति के साथ काम किए तो कितने लोग आए, 30। और 10 लोगों के साथ आप काम करेंगे तो कितने आएंगे, 300। कितने आएंगे, 300 आएंगे। और 300 में जो आपका बिजनेस होगा लगभग 170 का हो जाएगा। भाई पिछले वाले भी तो खरीदेंगे, 300 में 1.5 लाख, इधर 20,000 पुराने वाले, 170 हो गया। यस, रनर पिन आ गई 20,000 से 170। अब तीसरे महीने का प्लान देखिए, 2 महीना पूरा हो गया। अब ये तो 300 लोग जुड़े हैं, ये 300 लोग काम नहीं करेंगे, ठीक है, एक के साथ 10 काम करेंगे तो 10 के साथ 100 काम करेंगे, 10 1/3 ऐसे 10 सेलेक्ट करिए और आपके साथ 100 लोग काम करने वाले आ जाएंगे और 10 पहले से हैं तो 110 लोग हो जाएंगे। तीसरे महीने आपके पास कितने हो गए लोग काम करने वाले, लोग तो आपके 330 हो गए लेकिन काम करने वाले आपके पास 110 हो गए। अब 110 लोगों की बात करें, उनकी मीटिंग लें जूम में, उनको सबको जोड़े, एक टीम बना लें और उनसे मात्र 5,000 का बिजनेस करवाइए महीने भर में। एक व्यक्ति से कितने का बिजनेस, 5,000 का, तो 110 लोग 5,000 का करेंगे तो कितना होगा, 5,50,000, 5.5 लाख। रॉयल्टी कितने में मिलती है, 4.65 में मिलती है, बिजनेस 5.5 का हो गया। ये 3 महीने का आरसीएम की रॉयल्टी का प्लान है, कोई ईमानदार प्रैक्टिकल करके देख ले, अगर 3 महीने में उसका नहीं होता तो हमसे आके मिले। और हम लोगों ने संकल्प किया है जितने लोग यहाँ बैठे हैं कि 3 महीने में नए व्यक्ति को रॉयल्टी में पहुंचाना है, ठीक है, हो सकता है, हो सकता है 3 महीने में नए व्यक्ति को रॉयल्टी में इस तरह पहुंचाना है। इसके बाद धीरे धीरे लीडर बनेंगे और स्थायी बिजनेस आपका 2 से 5 साल में ही होगा। लेकिन रॉयल्टी चूंकि अभी लोगों के पास पैसे की कमी है, लोगों का व्यवसाय खत्म हो गया, नौकरियां चली गई, लोग घर में बैठे हैं, उनके लिए बेहतर प्लान है कि 3 महीने में 20,000 महीने उनको मिलने लगेगा। और लोग खाली हैं, 24 घंटे खाली, हम तो 4 घंटे की बात करते हैं, कोई काम है नहीं, टीवी देख रहे हैं, आंख ही खराब हो गई, न्यूट्रीचार्ज व्यू लेने की जरूरत पड़ गई, टीवी देखते देखते, मोबाइल देखते देखते, सही बोल रहे हैं, यस। इसलिए भाइयों इसको जरूर करें और इसको एक कैरियर बना के करें, क्योंकि इसमें पैसा है, सिक्योरिटी है और टाइम भी। अभी आप अकेले हैं, आपके साथ 24 घंटे का समय है, आपके साथ 100 हो जाए, 1 घंटे काम करें तो आपके नीचे 100 घंटे काम होगी। अगर आपके पास 1,000 लोग हो जाए और आप 1 घंटे काम करो तो आपके नीचे 1,000 घंटे काम होगा। और जब 1,000 घंटे का रिटर्न मिलेगा, ज्यादा होगा कि 24 घंटे ज्यादा होगा, 1,000 घंटे। तो लोगों को टीम बनाने की जरूरत है, अगर मुकेश अंबानी को टीम बनाने की जरूरत है तो हमको आपको तो और ज्यादा है। यस, टाइम 4 बजे कितना है सर, 4 बजे। तो ये चूंकि 3 महीने की रॉयल्टी का समझ में आ गया, जिसके समझ में ना आया हो उसको हम दोबारा भी समझा सकते, साइड से होकर के दो। और नए व्यक्ति की, आप लोग तो पुराने साथी हैं, आप तो तालका मचा सकते हैं, हम नए व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो भदनपुर से आए हैं, अभी इनकी बात कर रहे हैं ना। आपको 3 महीने में रॉयल्टी लेना है, ठीक, और अपने अपलायन को बोलिए कि 10 होम मीटिंग करें हमारे यहाँ जाकर। पहले महीने का टारगेट 10 होम मीटिंग, 30 ज्वाइन। अगले महीने की 10 के साथ काम करना और 10 के साथ 10 होम मीटिंग कराना। और बिना होम मीटिंग के बिजनेस नहीं हो सकता।
की सबसे बड़ी गड़बड़ी है कि हम लोग होम मीटिंग नहीं कर रहे, कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा। अगर कोई ईमानदारी से होम मीटिंग करे, अभी तो ऐसे बिजनेस हो रहा है जूम मीटिंग से, यस है ना जी। जिस दिन होम मीटिंग होने लगेगा तो रीवा का बिजनेस पूरे इंडिया में नंबर वन का होगा, नंबर एक में। और यहाँ से पिनों की कतारें लग जाएंगी, सोचेंगे कि यहाँ क्या हो गया, आग लग गई पूरे रीवा में। अभी भी बिजनेस है yes. लेकिन एक ऐतिहासिक बिजनेस होगा। तो अपने को रीवा को नंबर एक बनाना है, और ये सफेद शेरों की धरती है और नंबर एक में हमेशा रही है और नंबर एक में ही रहे। और इसी के साथ, चूंकि समय ज्यादा हो रहा है और हमको सर को थोड़ा सुनना है, अभी हम लोगों को आशीर्वाद लेना है, तो डायरेक्ट सर को बुला दें कि आप अब कहानी चूंकि आज ना बताएंगे, लास्ट में कहानी बताना था, समय ज्यादा हो गया है, उसको भी ध्यान देना पड़ता है। लोग दूर से आए हैं, बहुत सारे लोग रीवा के बाहर के भी, उनको जाना भी है इन सारी चीजों का। हम आज संडे को आरसीएम के अलावा कुछ नहीं करते, सुबह हमारे मरीज आए, जल्दी जल्दी देखे चले आए, सागर से आ गए थे दो तीन मरीज, इसलिए देखना पड़ा। यहाँ के होते तो हो सकता है ना देखते, तो ये आरसीएम के माध्यम से बहुत। उनको हमने गेनर दिया था, बायोज दिया था और गामा ओरिजिनल दिया था। उनको डिक्स प्रोलैप्स, डिक्स प्रोलैप्स समझते हैं, पीआईडी, रीढ़ की हड्डी में नस दब रही थी। डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी नस दब गई, एमआरआई कराए, उनकी नस दब गई। उनको कुछ दवा दिए थे साथ में, गेनर, बायोएज और गामा ओरिजिनल चलाए। डॉक्टर उनको ऑपरेशन के लिए बोले थे। अभी हमारा 30 दिन दवाई चली, एक महीने। अभी आज जो बताए हैं, कोई व्यक्ति सागर से आ रहा है तो सागर से भोपाल तो पास में है, बिल्कुल सही है, कि रीवा पास में, भोपाल पास में, सागर से रीवा क्यों आ रहा है ना, कुछ कारण होगा तब आ रहा है। भोपाल में तो बहुत बड़े डॉक्टर है, हमसे बहुत बड़े बड़े, हमको दिखाने वो आ रहा है। मतलब उसको कहीं ना कहीं कोई बताया होगा, उसको लाभ मिला होगा। आज वो डायरेक्ट ट्रेन से आया है, सुबह हम उसको देख के यहाँ फिर आए, पहले वहां गए हैं मरीज देखे हैं, फिर यहाँ आए। और उसको लगभग 80% आराम, लगभग 80%। और उसको हम बोल दिए कि अब ऑपरेशन आपको नहीं कराना पड़ेगा, और रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन भी बहुत कठिन होता है। तो ये सारी चीजें मिलती हैं, और आरसीएम का प्रोडक्ट सपोर्ट इतना करता है कि साथ में हम चलाते हैं अपनी दवा के साथ। एक दो प्रोडक्ट तो हम लिखते ही लिखते हैं, और उससे लोगों को बहुत एक्सलेंट रिजल्ट मिलता है। अब इसमें गेनर में है अश्वगंधा, आपको बताएं क्यों काम करता होगा, ये भी बता दें। गेनर में अश्वगंधा, अश्वगंधा जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है उसमें बहुत अच्छा काम करता है गेनर। इसमें लगभग 19 जड़ी बूटियां हैं गेनर में, 19 जड़ी बूटियां हैं। और एक खुराक आप खाइए तो एक दिन में समझ में आ जाता है कुछ खाएं। ये नहीं है कि वजन बढ़ाता है, ये मत सोचिएगा गेनर लिखा है तो वेट गेन करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अंदर की गेन शक्ति को बढ़ाता है, आपकी एनर्जी को बढ़ाता है, आपके सेल्स को रिजनरेट करता है, आपकी मेमोरी पावर को बढ़ाता है और नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है। तो मैं अब चूंकि अपनी वाणी को विराम देता हूं, और हम सब कैप लाइन, चूंकि जिनका आशीर्वाद से और जिनके मार्गदर्शन में हम लोग सीखते हैं,